हेलो फ्रेंड्स, डीआर क्लासेस बाय सोलुशन में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम यहां देखेंगे आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन तथा पॉलिटेक्निक या आईटीआई में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके बारे में हमें आज अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे इंस्ट्रूमेंट। तो जिसमें दो मुख्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपका, फर्स्ट है आपका ड्राइंग बोर्ड और सेकेंड है आपका ट्राइस्पर। इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्राइंग बोर्ड। तो देखिए, ड्राइंग बोर्ड जो है वह इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करें। तो देखिए, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है वह पतली पतली पट्टिकाओं के रूप में जो है पतली पतली पट्टिकाओं के रूप में जोड़ करके बनाया जाता है, जिसके ऊपर बैटन या इसे स्ट्रिप्स भी कहते हैं लगाया जाता है। तो इसको जो है स्क्रू द्वारा हम क्या कर देते हैं, यहां से कस देते हैं। इसके बाद ये इसका वर्किंग एज, इबोनी वर्किंग एज होता है, जहां पर हम टी स्क्वायर को क्या करते हैं, फिट करते हैं और फिट करने के बाद वर्क करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये पतली पतली पट्टिकाओं के रूप में बनाए गए हैं, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि जो आपकी लकड़ी होती है, अगर लकड़ी का हम बनाते हैं तो इसमें नमी होती है, तो नमी जब आपका क्या हो लकड़ी सूख जाए तो यह स्पष्ट रूप से गैप ले ले, इसलिए जो है इसको जो है पतली पतली पट्टिकाओं के रूप में बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि यह जो है आपका सीजन बुड या सफेद पाइन, फर या ओक का बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइंग बोर्ड। देखिए, ड्राइंग बोर्ड जो मार्केट में आता है वो टोटल आपका चार प्रकार का होता है, जिसमें नंबर एक होता है D0, जिसकी साइज होती है 1500 × 1000 × 25। दूसरा होता है आपका D1, जिसकी साइज होती है 1000 × 700 × 25। तीसरा होता है आपका D2, जिसकी साइज होती है 700 × 500 × 15। चौथा होता है आपका D3, जिसकी साइज होती है 500 × 350 × 15। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए ये मोटाई होती है ड्राइंग बोर्ड की, तो आप याद रखिए कि D0 और D1 में ये 25-25 होता है और D2 और D3 में ये आपका 15-15 होता है। इसके बाद आप 1500 से स्टार्ट करिए, 1500 × 1000। तो अगर आपने 1000 यहां पर लिया है, नेक्स्ट में आपका 1000 यहां चलाएगा, फिर नेक्स्ट आपका 7, फिर 7, फिर 500, फिर 500, फिर 350, फिर आपका 150, 15। तो ये होता है इसकी ड्राइंग बोर्ड की साइज, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारा दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, जो कि ये आपका ये भी ड्राइंग इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम टी स्क्वायर कहते हैं। तो देखिए, ये भी जो होता है सीजन बुड प्लास्टिक या सेलुलॉइड का बनाया जाता है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक होता है आपका ब्लेड और दूसरा होता है आपका स्टॉक। और इस ब्लेड पर आपका ये वर्किंग एज होता है, जहां पर हम रेखाएं खींचते हैं इसके द्वारा, और ये आपकी ब्लेड होती है। तो देखिए दोस्तों, जो इसको स्पेसिफिकेशन यानी इसको स्पेसिफाइड किया जाता है, इसकी ब्लेड की लंबाई द्वारा स्पेसिफाइड किया जाता है, जिसके आधार पर जो आपका ट्राई स्क्वायर होता है वह चार प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है आपका T0, जिसकी ब्लेड की लंबाई 1500 mm, T1 की 1000 mm, T2 की 700 mm, T3 की 500 mm। ये हो गई टी स्क्वायर की साइज। अब देखिए दोस्तों, इससे हम प्रयोग कहां करते हैं। तो देखिए, इसका प्रयोग दो मुख्य रूप से किया जाता है, नंबर एक समांतर रेखाएं खींचने में और नंबर दो क्षैतिज रेखाएं खींचने में। और हाँ फ्रेंड्स, इसका प्रयोग जो है हम कभी भी ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने में नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने देखा ड्राइंग बोर्ड और टी स्क्वायर के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।